नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कोरोना संक्रमण की दूसरी व तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संक्रमित होने का खतरा है, जिसे देखते हुए पीडियाट्रिक विभाग कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। जीएमएच के पीडियाट्रिक विभाग में बच्चों के 30 बेड का वार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के बेड भी शामिल हैं। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर एस के बजाज के मुताबिक बच्चों के लिए 30 बेड का वार्ड तैयार किया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्था रहेगी। यहां पर रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली से रेफर होकर आने वाले बच्चों को भी रखा जाएगा। बताया गया है कि शिशु एवं बाल विभाग में बच्चों के इलाज के लिए 140 बेडों की व्यवस्था है। इसके अलावा 100 बढ़ाने की क्षमता है, भीड़ बढ़ने पर बेड बढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर 240 बेड पर बच्चों का इलाज किए जाने का इंतजाम है, जिसमें न्यू नेटल आईसीयू के दो वार्ड हैं, पहला 40 व दूसरा 20 बेड का है। इसी तरह पीआईसीयू के 14 बेड और एसएमसीयू के 12 बेड हैं। जीएमएच के शिशु एवं बाल विभाग में पीजी के 15 चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद दूसरी समस्याओं से भी मरीज ग्रसित होते जा रहे हैं। इस तरह के कई मरीज संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। अभी तक ब्लैक फंगस को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन फोकस कर रहा था, लेकिन आंखों के अलावा अन्य कई समस्याओं से जुड़े मरीज मिलने के चलते प्रबंधन ने तय किया है कि अब पोस्ट कोविड मरीजों के लिए अलग वार्ड बनवाया जाएगा, जहां पर कई विभागों के डॉक्टर्स की ड्यूटी रहेगी और मरीज का यहां संयुक्त रूप से इलाज करेंगे। कई मरीज ऐसे हैं जिनकी आंखों के साथ ब्रेन, हार्ट, फेफड़ा, नाक की समस्याएं होती हैं, इसलिए अलग अलग चिकित्सक के पास मरीज को लेकर जाना संभव नहीं होगा। इसलिए तय किया गया है कि एक जगह पर कई विभागों के डॉक्टर की संयुक्त टीम के परामर्श पर उपचार कराया जाएगा। इसके लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के दूसरे मंजिल में एक वार्ड बनाया गया है। जो मरीज इस समय ब्लैक फंगस की वजह से भर्ती कराए गए हैं, उनमें 3 आंखों की समस्याओं से ग्रसित हैं, अन्य के हार्ट, फेफड़ा और नाक से जुड़ी समस्याएं बताई गई हैं। इसमें मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर शशि जैन ने डीन से संयुक्त टीम गठित करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अधिक संख्या में ब्लैक फंगस के लक्षण वाले मरीज आने के चलते अस्पताल में इसके उपचार के लिए दवाएँ खत्म होने की कगार में हैं। पहले यहाँ पूरे साल में करीब दर्जन भर मरीज आ जाते थे, लेकिन बीते कई दिनों से दर्जन भर से ज़्यादा मरीज पहुँच गए हैं। अस्पताल में कई दवाइयाँ हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की ज़रूरत अधिक बताई जा रही है, जो अस्पताल में भी समाप्त होने की कगार पर पहुँच गई है। यह इंजेक्शन बाजार में भी नहीं मिल रहा है। बताया गया है कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन मरीजों के शरीर में तेजी से फैल रहा है। 7 मरीज और अस्पताल पहुँचे हैं, जिनमें से 4 की MRI जाँच कराई गई है। इनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। इसके पहले 12 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर का शहर के बाहर इलाज चल रहा है।